बहुत शुक्रिया आपके वक्त का दोस्त मोहम्मद खोता साहब, क्या समझते हैं आप जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, आपको इभाम बाकी नहीं रहा है कि इंतखाबात अब 8 फरवरी को ही होंगे? जी होना ही नहीं चाहिए था जी, इन द फर्स्ट प्लेस इभाम होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो बड़ा हैरान था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के बरक्स जो है उन्हीं की कोर्ट के एक जज ने जो है वो स्केड्यूल में यूं समझे हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, एक पटिशनर की पटिशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर एक जजमेंट जो है अपनी जारी कर दी। एंड आई थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच ने आज एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अब 8 फरवरी के दिन की तरफ देख रहा था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैं समझता हूँ जो हकीकी मानों में ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और पाकिस्तान के हालात में तब्दीली और बेहतरी का सफर जो है उसका आगाज हो, उनके जो आस उम्मीद थी या उनकी जो कोशिशें अब शुरू हो गई थी वो एकदम उसमें जमूदारी हो गया था इस फैसले के बाद। और चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले को मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अप्रिशिएट करती हैं। और आप क्या समझते हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, जैसे कुछ सियासी जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मौसम की भी शिद्दत की वजह से उन्हें कैंपेन्स करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए उनकी जानिब से ये मुतालबा भी था या ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि अगर इलेक्शन थोड़ा आगे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो आप समझते हैं कि अब तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक होंगी, किसी को कोई एतराज नहीं होगा? आप सवाल रिपीट करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी जी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। जी मैंने अर्ज किया कि जैसे कुछ सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था कि मौसम की शिद्दत के बायस उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में मुश्किल आ रही है, तो क्या अब सब मुत्तफिक होंगे, अब कोई एतराज तो बाकी नहीं रहेगा? नहीं जी, मौसम की शिद्दत या हालात की शिद्दत जो है ये बहाने ही होते हैं, क्या ना 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन में हालात की शिद्दत आज की नस्बत 100 गुना ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हुए, बहुत बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने उसमें कुर्बानियां दी, जानों के नजराने दिए, फिर भी इलेक्शन हुए। तो ये बातें जो हैं ये अपने मकासद के मुताबिक होती हैं, कुछ लोग जो नहीं चाहते या जो समझते हैं कि उनकी पोजीशन शायद इन इलेक्शंस के अंदर परफॉर्मेंस की नहीं है वो फिर ये बहाने और ये उजर ढूंढते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मैदान में आके अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, पब्लिक को अपनी तरफ माइल करना है, उसके मुताबिक उन्होंने अपने नतीजे लेने। बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।